अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? वेलकम टू रैंस मम्माज व्लॉग। आज ही हमारी बेटी हो गया 3.5 माह की, आज उसकी 4th वैक्सीन है। तो आज हम जा रहे हैं, बहुत खुश है कि हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आज उसको इंजेक्शन लगने वाले हैं। अच्छा जी, तो हम निकलते हैं जी। तो हम घर से रवाना हो गए, हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि हम डिपार्टमेंट हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ से लगेगी हुरैन को वैक्सीन। यहाँ से टर्न लेने के बाद जो है सामने ही डिपार्टमेंट है, हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे है। ये बिल्कुल सामने है, लेकिन रोशनी आ रही है तो इसलिए नज़र नहीं आएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको बिल्कुल नज़र आ जाएगा। बस सामने जो ग्रीन कलर का ऊपर कपड़ा नज़र आ रहा है, वहाँ से वहाँ पर है जी ये वाला, ये बिल्कुल ये। अच्छा जी, हम यहाँ पे एंटर हो गए। इसके बाद हमें यहाँ से बनेगा पास, जो कि हमने बनवा लिया, 8वां नंबर है। हम लेट हो गए हैं तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन रूम के सामने। यहाँ पे वैक्सीन होगी, और भी बहुत से लोग आए हुए हैं जो कि अपने बच्चों को वैक्सीन करा रहे हैं, जो कि अच्छा है। टाइम पर बच्चों की वैक्सीनेशन होनी चाहिए जी। हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अंदर। यहाँ पर बहुत अटेंडेंट बैठी हैं जिन्होंने इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वैक्सीन लगानी है। हम इसको लगवाते हैं वैक्सीनेशन। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने व्लॉग बंद कर दिया था क्योंकि हुरैन ने रोना शुरू कर दिया था। अब हम वापस आ रहे हैं अपने घर, घर चल के देखते हैं हुरैन की कंडीशन क्या है, कितना तक इसको रिलीफ मिलेगा जी। घर आ गए हैं अब हम। बेटी मेरी परेशान है कि उसके साथ हुआ क्या है। अब हम इसको पिलाएँगे इंस्टेंट पैनाडोल के ड्रॉप्स, और उसके साथ ही लगाएंगे इसको ये इजी पैचेस, जो कि बुखार से, इसकी बुखार नहीं होने देता, इंस्टेंट रिलीफ देता है बच्चों को। तो इसके पैचेस बना के हमने लगाने हैं हुरैन को, ताकि उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल सके, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ये भी बहुत ही टफ टाइम ही होता है बच्चों के लिए, माओं के लिए, इस चीज़ से कवर करना 2-3 दिन इसमें लग जाते हैं। चलो जी, हमने पैचेस बना लिए हैं, ये हम लगाएंगे इसके बिल्कुल इंजेक्शन के पास, जिससे उसको हुरैन को जो है रिलीफ मिलेगा। साथ में हम इसको पैनाडोल के ड्रॉप्स भी देंगे ताकि बुखार ना हो, सो गई है। चलें जी, तब तक के लिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे बंद करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।